हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। आज देखिए, मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने देखिए टू कलर में बनाया है। आप इसे सिंगल कलर में बना सकते हो, टू कलर में बना सकते हो, मल्टी कलर में बना सकते हो। आप जैसे भी इसे चाहो वैसे बना सकते हो। और इसके लिए देखिए, कार्डिगन में, जैकेट में आपको नीचे बॉर्डर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद जिग जैग शेप ले लेता है। फंदे डालिए, फंदे डालने के बाद चाहे दोनों तरफ से एक एक उल्टी या एक एक सीधी रो बना लें, उसके बाद डायरेक्ट इस पैटर्न को आप स्टार्ट कर दें। और बहुत प्यारा देखिए ये डिज़ाइन बना है, सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए बना हुआ शेल से देखिए ऐसे बनते हैं, इसमें बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके लिए हमने क्या करना है, 10-10 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लेने हैं पैटर्न को इक्वल करने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इस पैटर्न को बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए नीडल में मैंने फंदे ले लिए हैं और दोनों तरफ से एक एक सीधी सीधी रो मैंने डाल ली है। उसके बाद देखिए, आपकी मर्जी, आप चाहे फर्स्ट फंदे को उतार लें चाहे बना लें, वो आपकी च्वाइस है। तो देखिए, मैं ये एक दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करना है, हमने अपनी तरफ धागा करते हुए ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे हम सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यही पैटर्न को हम देखिए दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने जाली डाली और फिर से ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फंदे अपने सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए, लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आएंगे। देखिए क्या किया हमने फर्स्ट रो में, फर्स्ट देखिए दो फंदे हमने उल्टे बना लिए, उसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर जाली डालेंगे और नौ फंदे हम सीधे बना लेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, एक फंदा हमारा ये सीधा आएगा, फिर से जाली डालेंगे, नौ फंदे सीधे बना लेंगे। और लास्ट में देखिए, आपके पास तीन फंदे बचेंगे, जिसमें से जाली डालते हुए एक फंदा हम सीधा और दो उल्टे फंदे बना लेंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट होती है यहीं पर, सेकंड रो उल्टी तरफ से पूरी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। देखिए ये पैटर्न बहुत आसान है, इसमें जितनी भी उल्टी तरफ से देखिए रो डलेंगी, वो सारी ऐसे उल्टी उल्टी ही डलेंगी। अब सीधी तरफ से ये हमारी थर्ड रो है, तो स्टार्टिंग के दो फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, ये एक और ये दो। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए इस फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालनी है और इस फंदे को हमने, जो जाली से देखिए बड़ा हुआ फंदा है, इसे सीधा बना लेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करते हुए ये नौ फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, ये जाली से बड़ा हुआ फंदा जिसे सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से नौ फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ। नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे हम, देखिए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ, लास्ट के दो फंदे उल्टे। थर्ड रो यहीं पर हमारी कंप्लीट होती है। अब आगे फोर्थ रो उल्टी तरफ से, तो फोर्थ रो उल्टी तरफ से देखिए पूरी उल्टी डाल दी है ऐसे। धागा और सिलाई दोनों अपनी तरफ करते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से फिफ्थ रो, दो फंदे उल्टे।
दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये जाली डालेंगे, एक और ये दो, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ फंदे उल्टे। नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। अब इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे, दो फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये दो फंदे सीधे ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए नौ फंदे हम फिर से उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे। नाइन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करते हुए ये जाली से बड़े हुए हमारे दो फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे पर जाली डालेंगे और इसे सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हम दो फंदे उल्टे बना लेंगे और फिफ्थ रो यहीं पर कंप्लीट होती है। सिक्स रो उल्टी तरफ से पूरी हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। सेवन्थ रो सीधी तरफ से, इसे ध्यान से देखिएगा। अब दो फंदे हमारे देखिए स्टार्टिंग वाले उल्टे। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इस फंदे को उतारना चाहो उतार भी सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने दो फंदे ये उल्टे ही रखे हैं। अब धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये एक दो तीन फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए तीन फंदे सीधे हो गए। अब धागा हमने अपनी तरफ कर लेना है और यहाँ से देखिए ये हमारा उल्टा फंदा यहाँ से स्टार्ट होता है ना। अब यहाँ से आठ फंदे इस फंदे के ऊपर से गिराएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। एट फंदे देखिए ऐसे गिराने के बाद हमने क्या करना है, इस फंदे को उल्टा बना लेना है ऐसे। इस फंदे को उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करना है हमने और ये एक दो तीन सीधे फंदे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे पर जाली डालेंगे। अब धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे सीधे और यहाँ पर जाली डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, नहीं तो हमारे फंदे कम हो जाएंगे। जाली हमने देखिए जरूर डालनी है, ऐसे बनेगा ये देखिए, ये शहद से बनते हैं ऐसे, बहुत प्यारा लगता है पैटर्न। अब धागा फिर से अपनी तरफ करना है और इस फंदे के फर्स्ट फंदे के ऊपर से बाकी के आठ फंदे हमने एक एक करते हुए ऐसे गिराते जाना है, क्योंकि हमने नाइन फंदे उल्टे बनाए थे ना, एक फंदे के ऊपर से देखिए ऐसे। ये आठ सिलाइयों का हमारा पैटर्न है और ये सेवन्थ रो है हमारी, देखिए ऐसे। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये जाली से बड़े हुए हमारे तीन फंदे हैं, पहले दो तीन जिन्हें सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए, फिर से हमने जाली डालनी है, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हमने एट्थ रो उल्टी तरफ से बनानी है। अगर आप सिंगल कलर से पैटर्न बना रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सिंगल कलर से पैटर्न को बना रहे हो तो आपने ऐसे ही उल्टी तरफ से एट्थ रो इसी कलर से बना लेनी है। लेकिन अगर आपने ऐसे मेरी तरह देखिए दो कलर लगाने हैं या तीन या चार, आपने कितने भी कलर लगाने हैं जैसे भी देखिए, तो उल्टी तरफ से एट्थ रो आपने सेकेंड कलर से बनानी है। और अब यहीं से देखिए हमने क्या करना है, अपना सेकेंड कलर इसके साथ लगा लेना है, स्टार्ट कर देना है आपने सेकेंड कलर लगाना ऐसे। पूरी रो देखिए ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे ऐसे। और
और इसके बाद देखिए यहाँ से हमने अपनी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो एक बार मैं और आपको फर्स्ट रो बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग के दो फंदे हमने क्या किया था, उल्टे बनाए थे, तो दो फंदे ये उल्टे आएंगे अपने ऐसे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना देंगे। अब यहाँ से हमने देखिए जाली डालनी है और नौ फंदे ये सीधे बनाने हैं। तो ये जाली डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ फंदे हमारे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे। जाली डाली, देखिए हमने धागा अपनी तरफ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए देखिए जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। देखिए अगर सेकंड कलर लगाना चाहते हो तो आपने ऐसे सेकंड कलर लगाना है, उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनाते हुए। अगर एक कलर से बनाना चाहते हो, अपने यहीं से देखिए उल्टी रो बनाने के बाद बस इसी ग्रीन कलर से ही उल्टी रो बनानी है और ग्रीन कलर से ही आपने आगे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।